नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई गल्फ देशों की फ्लाइटों के बारे में, जैसे ओमान हो या बहरीन हो या फिर कतर हो, चाहे कुवैत हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, रिलेटेड फ्लाइट से बात करेंगे दुबई से रिलेटेड। आई होप आपको अगर गल्फ से रिलेटेड, फ्लाइट से रिलेटेड वीडियो जानकारी लेना चाहते हैं तो भाई कोशिश करूंगा कि जो भी है जानकारी आपको दी जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्फ देशों से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई ओमान के बारे में। जी हाँ भाई, ओमान के कुछ लोग मुझे कमेंट किया कि सर ओमान क्या फ्लाइटें बंद करेगा या एयरपोर्ट बंद करेगा, क्योंकि भाई पता नहीं कुछ एक दो बंदे कुछ गलत ऐसी कुछ अफवाह फैला देते हैं तो सब जगह घूम जाती है। भाई फ्लाइटें ओमान बंद क्यों करेगा, एयरपोर्ट बंद क्यों करेगा, रीजन क्या है यार? सीधे ओमान में 50 केस रोज के आ रहे हैं भाई, ओमान बंद क्यों करेगा? अभी तो अगर और अपडेट रोज के 500-700 हज़ार केस भी आएंगे तो फ्लाइटें बंद नहीं होने वाली है, क्योंकि अब वैक्सीनेशन का टाइम आ गया है, जमाना जिसको बोल सकते हैं वैक्सीनेशन का जमाना है, कोरोना को कंट्रोल कर लिया जाएगा वैक्सीनेशन करके। जी हाँ, क्योंकि नियम इस तरह से बनाए जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट की वजह से अब कोरोना नहीं फैलने वाला, वो पहले फैल चुका, अभी नहीं ऐसी कोई बात है। तो किसी भी देश का मुझे नहीं लगता कि अब जो फ्लाइट स्टार्ट कर रहे हैं उनको दोबारा से फ्लाइट बंद करने की नौबत आ गई। जी हाँ, मुझे ऐसा लगता नहीं है और ऐसा होने वाला भी नहीं है। तो भाई ओमान का एयरपोर्ट बंद नहीं होने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनको जाना है वो भाई WHO के मान्यता से जो डोज हैं वो दोनों लें, QR कोड वाला आपको पता है PCR टेस्ट करवाएं और जाएं। अभी जो वैलिड वीज़ा वाले हैं वो लोग जा रहे हैं। इंश्योरेंस आपको साथ में लेनी होगी भाई एयरपोर्ट पे, इंश्योरेंस देख सकते हैं, जो 1 मंथ वैलिड होती है कोरोना वाली वो आपको साथ में ले सकते हैं। अगर आप राजस्थान से हैं तो भाई जयपुर से ओमान के लिए रेगुलर फ्लाइटें जा रही हैं, 22 सितंबर को जाएगी, 25 सितंबर को जाएगी, 29 सितंबर को जाएगी, जयपुर टू मस्कत ओमान। जी हाँ, तो आप जयपुर से भी भाई फ्लाइट पकड़ सकते हैं, छोटा एयरपोर्ट है, भीड़ नहीं होती है। अगर आप दूसरे स्टेट से भी आके जयपुर से फ्लाइट पकड़ते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि छोटा एयरपोर्ट है, भीड़ बिल्कुल नहीं होती है, जैसे नॉर्मल एयरपोर्ट होते हैं ना इस तरह से। हालांकि है इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेकिन भीड़ नहीं होती है, तो आप लोग जयपुर राजस्थान से भी जा सकते हैं। 22 सितंबर, 25 सितंबर, 29 सितंबर की फ्लाइट है। जी हाँ, अभी अगर बात करें तो सऊदी अरबिया के बारे में, भाई सऊदी अरबिया की क्या स्थिति है? सऊदी अरबिया ने वैसे तो बात करें तो भाई सभी बैन जो देश थे उनकी फ़्लाइटें हटा दी, बैन हटा दिया फ़्लाइटों के ऊपर से, लेकिन फिर भी इंडिया से सऊदी के लिए फ़्लाइटें ऑपरेट नहीं हो पा रही। इसका रीज़न क्या है? अब कुछ लोगों की ये सोच है कि भाई इंडियन सरकार फ़्लाइटें ओपन नहीं कर रही है, कुछ लोग ये बोलते हैं भाई सऊदी अरबिया ने फ़्लाइटें स्टार्ट कर दिया लेकिन वो उनको मंजूरी नहीं मिली, ऐसा कुछ चक्कर चल रहा है। लेकिन फिर भी भाई सऊदी अरबिया दुबई में, वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा लोग दुबई में रहते हैं, उसके बाद अमेरिका, उसके तीसरा नंबर पर सऊदी अरबिया का आता है। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए भाई कि फ़्लाइटें स्टार्ट की जाएँ इंडिया से सऊदी अरबिया के लिए। हालाँकि सऊदिया ने इंडिया को ग्रीन लिस्ट में डाल दिया एक तरह से, यानी जिनको रेड लिस्ट में डाला हुआ था उनकी फ़्लाइटें स्टार्ट कर दी हैं, उसमें इंडिया का भी नंबर है। पाकिस्तान से फ़्लाइटें जा रही हैं लेकिन इंडिया से फ़्लाइटें नहीं जा रही हैं। लोग इतने ज़्यादा दुखी हैं कि आप सोच नहीं सकते, सब लोगों को पता है जो लोग सऊदी जाना चाहते हैं। जी हाँ, हालांकि फ़्लाइटें बैन है इंडिया से सऊदी के लिए। जी हाँ, या थर्ड कंट्री के द्वारा लोग जा रहे हैं भाई, कोई मालदीव से जा रहा है। अभी सऊदी ने UAE को भी जो फ़्लाइटें उनको बैन करके रखा था, अगर रेड लिस्ट में डाला था, उनको बैन हटा दिया गया है दुबई से सऊदी के लिए। जी हाँ, तो लोग मालदीव से होके जा रहे हैं सऊदी, या फिर दुबई से होके भी अभी आप लोग जा सकते हैं। खर्चे की बात करें तो आप सोच नहीं सकते, वो खर्चा है 1.5 लाख रुपये, 1,50,000। मालदीव से लोग अभी मालदीव जा रहे हैं, मालदीव से सऊदी जा रहे हैं, इतना खर्चा बता रहे हैं भाई। 14 दिन क्वारंटाइन भी इसमें साथ में है। अगर आप थोड़ा सा अगर देखें कि मालदीव की बजाय अगर दुबई से जाएं तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, खर्चा मुझे लगता है जहां तक कम आ सकता है, बाकी आप जाने वालों को ज़्यादा पता होगा इस बात में। क्योंकि देखिए दुबई के थोड़ा नज़दीक है और थोड़ा सा अपने का सिमिलर लोग हैं, अपने लोग जानकार हैं, तो हो सकता है अपने को कुछ बेनिफिट हो जाए, वहाँ पे रहने की व्यवस्था ठीक मिल जाए, अपने को जानकार मिल जाए, तो अपना खर्चा बच सकता है। जी हाँ, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ थोड़ा खर्चा कम पड़ सकता है। मालदीव एक भाई टूरिस्ट कंट्री है तो वहाँ तो हर चीज़ महंगी है, लेकिन दुबई में इतना महंगा ठीक है, खर्चा कम पड़ता है मेरे हिसाब से जहाँ तक लगे। बाकी आप लोग जो गए हो तो आपको सबको पता ही होगा, अगर आप इंडिया अगर आप सऊदी जाते हैं जैसे दुबई से, तो भाई दुबई जाने के लिए आपको विजिट वीज़ा तो लेना ही पड़ेगा। ये तो यानी कि सऊदी वीज़ा से आप चले जाओगे ऐसा तो नहीं होने वाला। विजिट वीज़ा 1 मंथ का आपको लेना पड़ेगा, 8-10 हज़ार का उसका लगता है। फिर आपको 48 आवर्स का टेस्ट करवाना पड़ेगा। जी हाँ, रैपिड टेस्ट भी आपको करवाना पड़ेगा एयरपोर्ट पर, जिसकी फीस हमारे राजस्थान में बता रहे हैं 5,000 रुपये है। हालांकि 3,000 है लेकिन भाई वो अलग अलग जगह है तो प्राइवेट सिस्टम बैठा रखा है तो वो पैसा लेते हैं, 5,000 रुपये से 6,000 के बीच में बता रहे हैं। जी हाँ, फिर दुबई एयरपोर्ट पे आपका दोबारा टेस्ट होगा, दोनों डोज आपको लगी हुई होनी चाहिए, उसके बाद आपका 14 दिन दुबई में आपको रहना पड़ेगा क्वारंटाइन के तौर पे। जी हाँ,
उसके बाद में आपको वहाँ से जाने के लिए आपको फिर एक टेस्ट लेना, आपको एक रिपोर्ट करवानी पड़ेगी पीसीआर की 72 घंटे की। जी हाँ, दुबई से सऊदी के लिए 72 घंटे वैलिड है, वो आपके पास होनी चाहिए। फिर आपको तवकलना ऐप है, उसके ऊपर आपके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, उसके ऊपर ग्रीन स्टेटस आपका आना जरूरी है। ग्रीन स्टेटस नहीं आते हो तो आपको भाई क्वारंटाइन करना पड़ेगा सरकार की तरफ से। उनमें बताया जा रहा है कि भाई 3000 दराम, जी हाँ 3000 रियाल का खर्चा है। 3000 रियाल कितना होता है भाई, बहुत होता है फिर तो पैसा, 60,000-65,000 रुपये बन जाते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस है, दुबई जाने के लिए थोड़ा हार्ड प्रोसेस है क्योंकि फ्लाइटें स्टार्ट नहीं हुई है इस वजह से। तो भाई जिनके वीज़ा, अब लोग बोल रहे हैं कि हालांकि सरकार वीज़ा 30 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिए हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों के हो रहे हैं, कुछ लोगों के नहीं हो रहे हैं। सरकार ने 3 बार लगभग, अभी 3री बार वीज़ा एक्सटेंड किए हैं। जी हाँ, हालांकि सऊदी जाना थोड़ा मुश्किल इसलिए है कि भाई सऊदी ने साफ बोला कि जिन लोगों ने सऊदी में वैक्सीन लगवाई है वही लोग सऊदी जा सकते हैं। अब वो लोग तो वो हैं जो अभी 2-3 महीने में जो छुट्टी लेके आए थे, वो लोग वापस सऊदी जा सकते हैं, बाकी तो कोई लोग जा नहीं सकते क्योंकि सऊदी वाली कंडीशन रख दी। सऊदी में वैक्सीन लगवाया उनको हम मान्यता दे रहे हैं, हालांकि धीरे धीरे इनमें छूट मिल जाएगी, लेकिन वो आप लोगों के वीज़ा एक्सपायर तो क्या होंगे, सरकार बढ़ाई जा रही है आपके वीज़ा, तो ये अच्छी बात है। भाई सऊदी जाने वालों की ये बात समझ में आ गई होगी। कुवैत का ठीक है, कुवैत ने फ्लाइटें स्टार्ट कर दी थी, अच्छी बात है, अपडेट भी मिल गई। कुवैत के लिए फ़्लाइटें इंडिया से भी स्टार्ट है। जी हाँ, आपने देखा होगा इंडिया के लगभग बता दूँ 500-700 यात्री रोज़ इंडिया से कुवैत जा रहे हैं। जी हाँ, और बता दूँ सप्ते में 5 फ्लाइटों का दिया गया है कि भाई 5 फ्लाइटें इंडिया से कुवैत जाएंगी, उसमें से पर डे 500-700, आप समझ सकते हैं कितने बंदे महीने के निकल सकते हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। टिकटों का तो भाई भाव सोच लो मत, आप सोचो ही मत, कुवैत का इतना भयंकर है, टिकटों का भी बहुत महंगी टिकट आ रही है। कई लोग मुझे स्क्रीनशॉट से अर्जेंट लिख रखे हैं 1,40,000, 1,35,000, 1,00,000, 1.5 लाख, इस तरह से पैसे ले रहे हैं, 1.5 लाख के करीब कुवैत का खर्चा आ रहा है। तो इसका क्या है भाई, यार मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि जहाँ जिस चीज़ की बिक्री ज़्यादा होती है उसका तो कम पैसे में देना चाहिए यार, क्योंकि वो चीज़ बिक रही है, लेकिन उल्टा सिस्टम है भाई। अगर जहाँ भीड़ होगी वहाँ सामान महंगा मिलेगा, जहाँ भीड़ नहीं होगी उनका कुछ नहीं बिक रहा, वहाँ सामान सस्ता कर देंगे। अभी जैसे अब दुबई, आपको पता है कुवैत की फ़्लाइटें 1.5 साल से ओपन हुई हैं, भीड़ ज़बरदस्त है, तो टिकटों के भाव आसमान छू रहे हैं। अगर इसी को आप चाहे ओमान वालों देख लो भाई, ओमान वालों की भी यही स्थिति है, इसको थोड़ा सा डिले करें, आपको लगता है कि आपका वीज़ा में समय आपको इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, 15-20 दिन बाद में भी अगर आप जाते हो तो 100% टिकटों में आपको हाफ प्राइस देखने को मिल सकती है। अभी जो टिकट का 1,00,000 रुपये लग रहा है उसको 50,000 में मिल सकती है। जी हाँ, ये बात थोड़ा आपको सोचने की ज़रूरत है। दुबई की कोई चक्कर नहीं है भाई, दुबई जाने वाले आराम मस्त मौला होके जा रहे हैं, क्योंकि दुबई की सब फ्लाइटें पहले भी चालू थी, अभी भी फ्लाइटें। कतर का तो ऊपर वाला ही भाई मतलब समझ सकते हैं कि वो तो बहुत ही अच्छा हमारे लिए, कोरोना काल में जब सभी गल्फ देशों ने फ्लाइटें बैन करके रखी थी तब लोग कतर फ्लाइट जा रहे थे, तो ये भी एक अच्छी बात है हमारे लिए। तो कुल मिला के बता दूं, चाहे बहरीन की देख लो, बहरीन में भी वैलिड वीज़ा वाले भाई आपको पता है फ्लाइट स्टार्ट कर दी थी 3 सितंबर से, तो लोग आराम से जा रहे हैं जिनके वीज़ा वैलिड है। फॉर्मेलिटीज जो आपको पता है करनी होती है भाई, जिनके बहरीन में 72 घंटे का आपको पीसीआर टेस्ट साथ में लेना होता है, बाकी डोज वगैरह लेकर आप आराम से जा सकते हैं वैलिड वीज़ा वाले फिलहाल। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, अभी गल्फ देश स्टार्ट हो चुका है, सितंबर आप समझ सकते हैं 11 सितंबर से लेके लास्ट इस महीने में आराम से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है 100% आपको नॉर्मल तरीके से जैसे लोग दुबई जाना स्टार्ट हुए ना, वैसे इन कंट्रीज़ में भी आप जाना स्टार्ट हो जाओगे। तो बस ये अपडेट गल्फ देशों से रिलेटेड थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय